थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां इस संबंध में इसके जो प्रार्थी हैं सरदार दरबारा सिंह, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि माह जुलाई और अगस्त 2020 के दौरान जो है इस मामले के कुछ लोगों के द्वारा फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर आउट ऑफ इंडिया से कुछ सामान गिफ्ट के तौर पर भेजने और कस्टम ड्यूटी की बात कहते हुए अलग अलग समय पर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में जो है करीब 27 लाख रुपए से अधिक के ठगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। और इस पर थाना बोधघाट में धारा 420 IPC और IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस मामले के कुछ संदेही और आरोपी दिल्ली क्षेत्र में उपस्थित हैं, और इस सूचना पर निरीक्षक धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम दिल्ली की ओर रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा इस मामले के कुछ संदेही हैं, तीन संदेही जिनमें सोमराज थापा, रेणुका गुसाई और राजू हितांग, तीनों नेपाल देश के मूल निवासी हैं, इन्हें इस मामले में जो है हिरासत में लिया गया और जिनसे पूछताछ किया गया। और पूछताछ के दौरान इन तीनों के द्वारा जो है पिछले साल जुलाई और अगस्त के दौरान इस मामले के जो पीड़ित हैं उन्हें फेसबुक पर फ्रेंडशिप करने और कुछ सामान गिफ्ट भेजने और कस्टम ड्यूटी के नाम पर जो है 27 लाख रुपये ठगी करना स्वीकार किया गया है। और इसमें तीनों आरोपियों के कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए नकद, 5 लाख मोबाइल, अलग अलग बैंकों के 10 ATM कार्ड, इसके अलावा पासबुक, चेकबुक और अन्य आवश्यक जो दस्तावेज और साथ में नेपाल का एक पासपोर्ट जो है बरामद किया गया है। और इस मामले में तीनों आरोपी सोमराज थापा, रेणुका गुसाई और राजू हितांग, तीनों को गिरफ्तार कर दिल्ली से छत्तीसगढ़ लाया गया है। और तीनों को गिरफ्तारी के पश्चात जो है न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। और अभी यह मामला जो है थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। और इस मामले के जो तीनों आरोपी हैं वो नेपाली देश के मूल निवासी हैं।